संचारी रोगों से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बरती जा रही सावधानियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडी हेल्थ ने चौमुहा के गांव अकबरपुर का निरीक्षण किया। शुक्रवार को गांव अकबरपुर पहुंचे एडी हेल्थ के डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि गांव अकबरपुर में निरीक्षण के दौरान उन्हें कोई भी बुखार पीड़ित मरीज नहीं मिला। गांव की साफ सफाई भी ठीक मिली है। अकबरपुर के तालाब में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करने के लिए प्रधान से कहा गया है। वहीं घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी सर्वे कर रही हैं। 19 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान चौमुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी भी मौजूद रहे। सर, आपके द्वारा आज गांव अकबरपुर में निरीक्षण किया गया, क्या रहा? देखिए, अभी तालाब का तो पता नहीं है। तालाब में पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि किनारे किनारे जो है ना एंटी लार्वल का छिड़काव होता है लिक्विड का, और तालाब के सेंटर में मिट्टी में पाउडर मिला के गोले में बना बना के लड्डू की तरह वो सेंटर में फेंका जाता है। उसकी अभी पता नहीं चल पाई कि किया गया या नहीं किया गया, लेकिन MOIC के स्तर से इनको पाउडर प्रधान जी को दे दिया गया, ब्लॉक में भी दे दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करवा रहे हैं तो BDO और प्रधान के आपस में कार्रवाई की जानी है, उन्हीं के द्वारा ये देख रेख करनी है। गाँव में घर घर जाकर भी आपने देखा है, क्या पाया? घर में तो नालियों में तो है, छिड़काव किया गया है एंटी लार्वल का, और घर के अंदर तो पानी आज की तारीख में नहीं मिला कहीं कलेक्शन। कूलर सबके ड्राई हैं जितने भी घरों में देखा गया है, और कोई बुखार का मरीज घर में है नहीं। तो अभी एक्टिविटी इस जिस हिसाब से चल रही है, हमें 19 तारीख से लेकर अगले 17 तारीख तक होनी है, तो उस दरमियान स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें घर से हर घर में कितने टीके छूट गए हैं, कोई बुखार का मरीज़, कोई खांसी का मरीज़, इसके बारे में पता करना है। थैंक यू।